अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम आपको मेरे YouTube चैनल जी न्यूज़ जी में जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज मैं आपको 31 मई 2021 से 4 जून 2021 तक अगर पाकिस्तान में रहकर सोना खरीदने या उसे बेचने का इरादा रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगा कि आने वाले हफ्ते में गोल्ड की कीमत में कमी होगी या पिछले दो हफ्ते की तरह लगातार सोने की कीमत में इजाफा देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत में इजाफा हुआ तो पाकिस्तान में सोने की कीमत में कितना इजाफा हो सकता है। अगर आलमी और इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में अगर कमी देखने को मिलती है तो पाकिस्तान में सोने की कीमत में कितनी कमी हो सकती है, दोस्तों सब जानेंगे मुकम्मल तफसील के साथ, मगर इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। मगर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं गुजर जाने वाले इस हफ्ते पर। अगर दोस्तों बात करें कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बुरोज सोमवार की, आलमी मार्केट में सोने की कीमत में सिर्फ एक अमेरिकी डॉलर का इजाफा देखने को मिला। फी 1882 अमेरिकी डॉलर थी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान में गोल्ड पूरे 400 रुपए महंगा हुआ था। अब बात करें दूसरा दिन ब्रोज मंगल की, आलमी और इंटरनेशनल मार्केट में फिर से दो अमेरिकी डॉलर का इजाफा देखने को मिला। फी ओंस 1884 अमेरिकी डॉलर थी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी गोल्ड पूरे 500 रुपए महंगा हुआ था। अब बात करें तीसरा दिन ब्रोज बुध की, आलमी और इंटरनेशनल मार्केट में फिर से पूरे 23 अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ था। फी ओंस 1907 अमेरिकी डॉलर थी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी गोल्ड पूरे 2350 रुपए महंगा हुआ था। अब बात करें चौथा दिन बरोज जुमेरात की, आलमी और इंटरनेशनल मार्केट में फिर से पूरे 12 अमेरिकी डॉलर का इजाफा हुआ। फी ओंस 1907 अमरीकी डॉलर रही। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे के बाद लेकिन पाकिस्तान में सोना 950 रुपए सस्ता हुआ। अब बात करें पांचवा दिन बरोज जुमे की, आलमी और इंटरनेशनल मार्केट में फिर से 9 अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ। फी ओंस 1879 अमरीकी डॉलर रही। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी गोल्ड पूरे 750 रुपए महंगा हुआ। अब बात करें आखिरी दिन ब्रोज हफ्ते की, आलमी और इंटरनेशनल मार्केट में फिर से 9 अमरीकी डॉलर की कमी देखने को मिली। फी ओंस 1 डॉलर रही। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे के बाद लेकिन पाकिस्तान में गोल्ड पूरे 300 रुपए महंगा हुआ। दोस्तों, अब बात करें इस आने वाले हफ्ते में गोल्ड यानी सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा होगा या पिछले हफ्ते की तरह कुछ कमी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपको बता दें कि इस गुजर जाने वाले हफ्ते में गोल्ड पूरे 3500 रुपए पाकिस्तान में महंगा हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों इस आने वाले हफ्ते में कि गोल्ड यानी सोने की कीमत में कितना इजाफा हो सकता है। दोस्तों, हमने पिछली वीकली प्रिडिक्शन की वीडियो में आपको बता दिया था कि अगर आर्मी और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 1900 से ऊपर चला जाता है तो समझ लीजिए पाकिस्तान में सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल चुका है। जी हाँ जनाब, जी न्यूज जी की वो वीडियो और इस बात सच साबित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको फिर से बताएंगे इस आने वाले हफ्ते की कुछ प्रिडिक्शन के बारे में। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बुरोज सोमवार की, आलमी और इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड की कीमत में कमी देखने को मिली 1885, अगर दोस्तों इजाफा देखने को मिला 1911। अगर बात करें दूसरा दिन बुरोज मंगल की, अगर आलमी और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत में कमी देखने को मिली 1904, अगर दोस्तों इजाफा देखने को मिला 1915। अगर दोस्तों बात करें तीसरा दिन बुरोज बुध की, अगर आलमी और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत में अगर कमी हुई तो 1910, अगर दोस्तों इजाफा देखने को मिला 1923। अगर दोस्तों बात करें चौथा दिन ब्रोस जुमेरात की, अगर आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी देखने को मिली 1917, अगर दोस्तों इजाफा देखने को मिला 1933। अगर बात करें आखिरी दिन ब्रोस जुमे की, आलमी और इंटरनेशनल मार्केट में अगर सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला 1944, अगर दोस्तों कमी देखने को मिली तो 1933। दोस्तों, ये तो थी वीकली प्रिडक्शन की कुछ अपडेट्स। दोस्तों, ये हो सकता है कि आलमी और इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में ज़बरदस्त कमी देखने को मिल सकती है। हो भी सकता है कि आलमी और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड इससे भी ज़्यादा महंगा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ना कि बिजनेस के लिए। दोस्तों, आपको बता दें अगर आलमी मार्केट में इसी तरह सोना महंगा हुआ जिस तरह हमने आपको कुछ प्रिडक्शन बताई, अब तो पाकिस्तान में सोने की कीमत में ना तो ज़्यादा इजाफा होगा और ना ही ज़्यादा कमी। हो सकता है कि पाकिस्तान में अगर सोना महंगा हुआ तो सिर्फ 3000 दोस्तों कमी हुई तो 1500 तक कमी हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।